श्री राम के जन्मोत्सव के अवसर पर 15 अप्रैल को अर्बन स्टेट फेज 1 स्थित श्री गीता मंदिर में श्री राम नवमी उत्सव बड़ी श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है। इस राम उत्सव में दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज को आमंत्रित करने हेतु मंदिर कमेटी के सदस्य सवेरा भवन पहुंचे, जहां उन्होंने श्री विज को निमंत्रण पत्र दिया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कमेटी प्रधान राजेश अग्रवाल ने बताया कि 14 अप्रैल से श्री रामायण पाठ का आरंभ कर दिया जाएगा, जिसका भोग 15 अप्रैल को डाला जाएगा। इसके साथ साथ कार्यक्रम में मधुर संकीर्तन एवं भक्तों के लिए भंडारे की भी खास व्यवस्था होगी। इस मौके पर अनुराग अग्रवाल, अंशुमन पुरी, पवन जोशी भी मौजूद थे। मैं राजेश अग्रवाल, प्रधान श्री गीता मंदिर अर्बन स्टेट फेज 1 से सभी मां के भक्तों को नवरात्रों के उपलक्ष्य में बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। मैं सभी माता के भक्तों से ये निवेदन करता हूं कि आप सभी हमारे मंदिर में आएं। वहां पर हमारे मंदिर के पवित्र प्रांगण में 9 सिद्धपीठों से माता की ज्योतें लाई गई हैं, वो उनके दर्शनों के लिए आप मंदिर के प्रांगण में पधारें और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। और आप सभी राम भक्तों से मैं एक और अपील करना चाहता हूं कि 14 तारीख दिन वीरवार को आप सभी सुबह नहा धोकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सिद्धपीठ श्री देवी तालाब मंदिर में पहुंचें। वहां से एक हर साल की तरह एक भव्य जो शोभा यात्रा है निकाली जा रही है। हम सब लोग भी गीता मंदिर से अपने राम भक्तों को लेकर और एक बहुत ही बड़े जन समूह के साथ शोभा यात्रा को लेकर सिद्धपीठ श्री देवी तालाब मंदिर में पहुंचेंगे। आप सब भी उस शोभा यात्रा में पहुंचकर भगवान श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलना जी, बोलना नहीं, बस दुर्गा स्तुति का कहना सी। हाँ जी, अच्छा जो तो कहोगे बोल दे। मंदिर का भी दोबारा दसा जो रहता दस दो। अच्छा, नहीं मंदिर का कितने होना आयोजन? ओके, चाहे उन्हें जोड़ देना फिर कट्ठे ही। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। कि हर साल की तरह इस साल भी हमारे मंदिर के पवित्र प्रांगण में माँ की 5100 ज्योतें और श्री दुर्गा स्तुति के पाठों का आयोजन किया गया है। ये देखने योग्य होगा। आप आकर मंदिर के प्रांगण में अपने हाथ से माँ की ज्योत को प्रज्वलित करें। वो 5100 ज्योतों के लिए मंदिर कमेटी आपको घी, पुस्तिका और सभी सामग्री पूजा की देगी। आप आकर इस पवित्र धार्मिक फंक्शन पर माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें।